अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल टू एवरीवन। आज रेडरोस फंक्शन हॉल में तेलंगाना मेगा जॉब मेला मुनक़िद किया गया है, जिसके सदारत जनाब मुश्ताक हुसैन साहब थे, और इसमें काफ़ी इस इवेंट का ताउन आरआर चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया है, जिसके जनाब मोहम्मद समीउर रहमान साहब और सैयद इरफान साहब, ये दोनों ने मिलकर इस प्रोग्राम में काफ़ी अहम रोल क़ायम किया है। और यहाँ पर तकरीबन 35 कंपनियाँ यहाँ मौजूद थे, जो डोमेस्टिक कंपनीज भी थे, एमएनसीज भी थे, और एयरक्राफ्ट कंपनी यहाँ पर भी मौजूद थी, जो रोबोटिक्स, मैकेनिकल्स और जो जावा .NET के लिए काम करते हैं, वो लोग के लिए यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी थी। और सबसे खुशी की बात यह है कि काफ़ी लोग यहाँ पर आए थे। हमारा मकसद यही था कि अनएम्प्लॉयमेंट को हटा दिया जाए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट से सुसाइड, क्राइम वगैरह बहुत बढ़ते जा रहा है, काफ़ी जॉबलेस लोग मौजूद है, तो जॉबलेस को हम हटाकर एक ऐसी लोगों को ट्रैक पर लाना है, जो जैसा कि 2020 है, 2021 है, ये लोग के काफ़ी कठिन टाइम है, क्योंकि ये लोग एक तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कई कंपनीज़ में, कहीं जॉब नहीं है, तो इस कठिन तौर पे ऐसा प्रोग्राम करना एक काबिले तारीफ़ है। और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब समीउर रहमान साहब और इरफानुद्दीन साहब का, और मुश्ताक हुसैन साहब, और इसका इनाग्रेशन श्री एयर श्रीनवास गारू IPS जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद ने किया है। काफ़ी लोगों को यहाँ पर ऑफर लेटर हमने दिया है, तकरीबन लाइक 90 डेवलपर्स, GI कनेक्ट कंपनी यहाँ पर मौजूद थे, वो लोग की जानिब से वो लोग को यहाँ पर ऑफर लेटर दिया गया है। और ऐसे आप दुआ देते जाइए, इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि आप लोग के लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे समाज में। और हाईटेक न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो सुबह से आकर यहाँ पर हम लोग को मीडिया के तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह, जय हिंद। मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेस तेलंगाना जॉब मेला का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ हुआ है RR फंक्शन हॉल में। रेड रोज ग्रुप वालों की जानिब से हमारे साथ थे वो लोग, आज बेहतरीन अंजाम दिए, और हमारे सिटी के AR श्रीनिवास साहब, कमिश्नर साहब आए थे यहाँ पर, आकर ये इस प्रोग्राम को अंजाम दिए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चों को रोज़गार के लिए हम लोग जो मुहिम लेके चल रहे हैं, और यहाँ पर करीब 25 कंपनीज के HRs आए, आगे सेलेक्शन चल रहे हैं यहाँ पे, और लास्ट के भी जो बच्चों का ऑफर लेटर्स भी हम लोग दिए हैं, जो मन्नानजा दक्कन ब्लास्टर के जो इंजीनियर हमारे साथ जुड़ के जो हम लोग साथ कर रहे हैं काम, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल काम चल रहा है यहाँ पे, और बेहतरीन काफ़ी लोगों को रोज़गार पे लगाने का जो हम लोग लेके चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग यहाँ पे रोज़गार से रख रहे हैं। मेरी यही सबसे गुजारिश है, जो भी न्यू कमर्स है आप लोग आइए हमारे साथ जुड़िए, और आप लोग को अगर जॉब प्रोवाइड अगर आपको हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, आप अपनी काबिलियत के हिसाब से जो कंपनी में आप जो सेलेक्ट होंगे इंशाल्लाह वो कंपनी में आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आज RR चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से एक मेगा जॉब मेला मुनक़िद किया गया था यहाँ पर, जिसके ऑर्गेनाइज़र जनाब मन्नान इंजीनियर साहब और ज़ेर सरपरस्ती हमारे मुश्ताक भाई परिवार ग्रुप, इनकी काफ़ी मेहनत और जस्तजू से आज यहाँ पर एक अजीम व शान जॉब मेला अमल में लाया गया है, जिसमें करीब 2000 से 2500 स्टूडेंट्स और नौजवानों ने यहाँ पर आके अपने जॉब के लिए इंटरव्यूज़ दिए यहाँ पर, और ये काम काफ़ी अच्छा काम है जो कदम मुश्ताक भाई ने और मन्नान साहब ने जो उठाया है, ये जॉब मेले के ज़रिए हैदराबाद के तकरीबन नौजवानों को रोज़गार मिलने की उम्मीद है। और ख़ास बात यह है कि जो है ना कि नौजवानों को 25 कंपनीज जाने के बजाय यहीं पर एक छत के नीचे एक फ्लोर पे 25 कंपनीज यहाँ पर जमा हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी नौजवानों ने यहाँ पर इंटरव्यूज़ दिए इन सबको अच्छी से अच्छी रोज़गार मिले। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मन्नान साहब का जो ये जॉब मेले को ऑर्गेनाइज़ करे, और इस जॉब मेले में हमारे AR श्रीनिवास साहब, जॉइंट कमिश्नर सिटी हैदराबाद पुलिस, और मुश्ताक भाई, इरफानुद्दीन डायरेक्टर RR ग्रुप ऑफ कंपनीज, और हमारे मोहसिन भाई
यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं, और इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि मुश्ताक भाई को के नौजवानों की हिम्मत अफजाई के लिए इस तरीके के जॉब मेले मुनाकिद करें। और फिर एक बार मैं मनान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने हमें यहाँ पर आके कुछ सीखने का मौका दिया, और आगे चल के इंशाल्लाह हम भी इस तरीके से आरआर चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से और भी जॉब मेला का इनका अमल में लाएंगे। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम तमाम हाईटेक टीवी के व्यूअर्स को, मिर्ज़ा इम्तियाज भाई का सलाम। ये हमारी कंपनी MM हॉस्पिटैलिटी है, वी आर एसोसिएट विद की टू कैरियर एंड वी आर प्रोवाइडिंग एडमिशन इन यूक्रेन, MBBS एडमिशन यूक्रेन एंड रशिया। जो स्टूडेंट्स जो है नीट क्वालिफाई नहीं करते, जैसा क्वालिफाई करे उनको जो है यहाँ पर फ्री सीट मिल जाती, जो क्वालिफाई नहीं होते वो लोग प्राइवेट कॉलेजेस जाते, जहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस जाने से जो है 1.2-1.5 तक इनके MBBS फीस डोनेशन एवरीथिंग इतना एक्सपेंडिचर हो रहा। तो हमारी कंपनी यूक्रेन में, रशिया में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे टाई अप है, पूरा MBBS कोर्स विद फूड एंड अकोमोडेशन जो है 35-40 lakhs में हो रहा। तो मैं जितने भी व्यूवर्स है, जो बच्चे, जो पहले तो दुआ करेंगे कि बच्चे क्वालिफाई हो जाए, अगर जो बच्चे क्वालिफाई नहीं हुआ तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आगे जो है हमारे मार्केटिंग डायरेक्टर है मकबूल साहब आपको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह देंगे, और हमारी काउंसलर अमरीन भी यहाँ है, उनसे आप बात करिए। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी जैसे सर ने बताया कि इम्तियाज सर ने, कि हमारे ग्रुप है MM K2 कैरियर्स का, आप प्लीज़ अगर आपको MBBS के लिए सीट की देख रहे हैं आप, तो 7893034906 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।